मैं हूँ आपके साथ सुबह झा। आ गया चुनाव हमारी खास पेशकश में। लगातार हम बिहार के ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं सियासी तस्वीर कैसी है। सरगर्मी तेज है, धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी चरण के मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है। दो फेज का मतदान हो चुका है। दो फेज के मतदान में ज़रूर वोटिंग परसेंटेज में कमी आ गई, ये एक चिंता का विषय है। मतदाताओं में क्या उत्साह की कमी है या मुद्दों की बात नहीं हो पा रही है या जनता के विकास की बात नहीं हो पा रही है, यही समझने के लिए हम पहुंच गए हैं अब सिवान। पहला भी मुकाबला त्रिकोणीय, यहाँ कविता सिंह मौजूदा सांसद हैं लेकिन उनका टिकट काटकर विजय लक्ष्मी को दिया गया है जेडीयू से। अवध बिहारी चौधरी जो पूर्व स्पीकर, उन्हें आरजेडी है लेकिन इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही हैं। ना शहाब जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी भी हैं, उन्हें टिकट की उम्मीद आरजेडी से थी लेकिन टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में खड़ी हो गई हैं और मुकाबला त्रिकोणीय है। लेकिन सिवान में क्या मुद्दा है, सिवान में जनता का मूड क्या है, नब्ज हम टटोलने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ सिवान के जनता और पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। एक बार तालियां बजाकर आप लोग दिखाइए, सिवान में उत्साह की कमी लग रही है, चुनाव को लेकर उत्साह ऐसा लग रहा है कि उत्साह में कमी, एक बार फिर से मुझे लगता है उत्साह में कमी लग रही है। चलिए, उत्साह है, भरपूर है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सिवान का विकास का है सबसे बड़ा मुद्दा, और सिवान की जनता इस बार ऐसे प्रतिनिधि को चुन रही है जो निस्वार्थ भाव से सिवान के जनता के लिए अपना तन मन धन से बहुत दिनों से लगा हुआ है। हम लोग जीवन यादव को इस बार बहुमत से जिता रहे हैं, एकदम भरपूर बहुमत से जीवन यादव जीत रहे हैं। किसी भी सिंबल को कोई वोट नहीं दे रहा है। जीवन यादव निर्दलीय, बिल्कुल ये त्रिकोणीय में बता रहा था। अब आप एकदम भरपूर समर्थन है, आप लोग दिखा रहे हैं। यही तो दिक्कत है कि आपको चौथा नाम पता नहीं। तो मैं वही पता करने के लिए आया हूँ, जीवन यादव यहाँ टक्कर में है जी। सिवान में सोच और सिंबल की लड़ाई में, सोच के लड़ाई में हम लोग हैं, क्योंकि सिंबल का लड़ाई लगातार हम लोग 15-20 साल से देख रहे हैं, उसमें सिवान का विकास ही नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों ने सोच की लड़ाई में हम लोगों ने सोचा है कि अपने ये नेता को हम लोग साथ देंगे और सिवान को विकास का जो धारा बह रही थी उधर हम लोग बहाने का प्रयास करेंगे। अब तक सिवान में कोई काम नहीं हुआ। मैं मिथिलेश कुमार सिंह कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हूँ। यहाँ आरजेडी से प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी हैं, गठबंधन धर्म है, लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। ये लड़का जो बोला सही बोला है, हीना साहब और आपके जदयू के उम्मीदवार और जीवन यादव में त्रिकोणीय संघर्ष है। बाकी अवध बिहारी जी नहीं है लड़ाई में, लड़ाई से बाहर हैं। आप कांग्रेस के नेता होके कह रहे हैं मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट किया हूँ, सच्चाई बोलना है, लड़ाई से बाहर नहीं है। क्योंकि जो लोग सिंबल लेकर आना चाहते थे उन लोगों को नहीं दिया गया। जनता का बात है वो वही आना, कैंडिडेट ऐसे आए हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा, नकारा जा रहा है कैंडिडेटों को। आप कह रहे हैं कि हीना शाह को टिकट मिलता तो शायद जीत जाती। किससे टिकट मिलता नहीं जीत वो अलग बात है, लेकिन लड़ाई जो पूछ रहे हैं सच्चाई यही है। फोकस से झूठ बोलने के लिए तो कहेंगे कि हमारे कैंडिडेट आगे हैं सबसे। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, ईमानदारी से आप कांग्रेस के नेता होकर गठबंधन धर्म कोऑर्डिनेटर हटाइए, वहाँ कोऑर्डिनेटर कहिए, वो जैसे आप रिपोर्टर हैं पार्टी के रिपोर्टर हम भी हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया रिपोर्ट आपने दे दिया है। हाँ, ये सही सच्चाई यही है। तो बीजेपी लड़ाई में है? बीजेपी कहाँ लड़ाई में है, एनडीए जेडीयू हीना और जीवन यादव। जीवन यादव हमारा पार्टी तीसरा पोजीशन पर है। तीसरा पोजीशन हमारा पार्टी तीसरा, ये अच्छी बात है कि खुद की पार्टी को बता रहे हैं, खुद के गठबंधन को बता रहे हैं तीसरा पोजीशन पर। जीवन यादव गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ज़्यादा करके हम लोग फेसबुक के माध्यम से देखे हैं। अभी परीक्षा पड़े था, बहुत हम लोग का बच्चों सब का हेल्प भी किए थे, खाना वगैरह रहने का सुविधा भी किए थे, खेल कूद गरीबों के शादी विवाह में सभी में जाते हैं हम लोग फेसबुक के माध्यम से। जैसे हम गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं, लेकिन मौजूदा सांसद तो यहाँ पर जेडीयू की थी, उनका टिकट कट गया। जेडीयू लड़ाई में है? बिल्कुल ही लड़ाई में है जेडीयू, यहाँ पे त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा, लेकिन नज़दीक चुनाव आते आते आमने सामने का मुकाबला हो जाएगा सिवान में भी। किसके बीच? वो निर्दलीय प्रत्याशी और एनडीए प्रत्याशी के बीच में मुकाबला होगा। जैसे जैसे चुनाव, यहाँ दो दो प्रत्याशी, हाँ, हीना शहाब और जीवन यादव। हाँ, तो हीना साहब और एनडीए प्रत्याशी के बीच मुकाबला हो जाएगा। हाँ, चुनाव के नज़दीक आते आते जेडीयू को वोट क्यों पड़े? जेडीयू को यहाँ वोट तो एनडीए में है और भाजपा के नाम पे वोट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जेडीयू का कोई धरातल पे कोई काम नहीं है, कोई संगठन नहीं है, लेकिन वो एनडीए के साथ गठबंधन में है। गठबंधन धर्म निभाते हुए भाजपा के लोग उनका साथ दे रहे हैं और वोट मांग रहे हैं।
तो इस कारण वो लड़ाई में रहेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पे ही केवल वो लड़ाई में रहेंगे, अन्यथा वो लड़ाई से बाहर हो चुके थे, वो एक्सपायर नेता हो हैं अभी भी। अब आगे जो भी हो, दवाई लेना हमको। जेडीयू यहाँ पर है लड़ाई में, लेकिन मोदी जी के नाम पर नहीं। नहीं, लड़ाई में अभी जेडीयू नहीं है, उन लोगों के और सभी धर्म और सभी रंग के लोगों की ताकत को तो है ना, सब अभी नंबर वन पे चल रही है। यहाँ लड़ाई किसी से नहीं है, चूंकि सभी लोगों का प्यार है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, इस वजह से यहाँ के सभी मालिकों का प्यार है। नहीं, हिना शाह आरजेडी से टिकट मांग रही थी। नहीं, टिकट तो उन्होंने तो उनके बड़े आदर के साथ आदरणीय तेजस्वी यादव जी आते हैं सिवान के सरजमी पे और कहते हैं कि युग बदल गया है, पीसीओ का युग बदल चुका, मोबाइल का युग, परिवर्तन की जरूरत है। उसी पे आप जैसे मीडिया के साथियों ने सवाल किया, हैना साहब तो पार्टी भी आपको इग्नोर कर रही है, आप क्या करिएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इग्नोर हमें भी हमें कर रही है, लेकिन सिवान मेरा परिवार है और सिवान के सभी रंग के लोग हमारे अंग हैं, उस आधार पे हम मालिकों के बीच में जाए। जिक्र यहाँ जीवन यादव का हो रहा है। निश्चित तौर पर जीवन भाई डायनेमिक फेस है, युवाओं के लड़ रहे हैं अभी मालिकों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, तो अपना थीम लेकर के जा रहे हैं। वो अपना उनका अलग थीम है और हैना साहब का अलग थीम है। हैना साहब साहब जो लकीर खींच कर गए हैं, विकास के गाथा को जो लिख करके गए हैं, उनको पूर्ण करने का सपना हैना साहब लेके जा रही है कि मेरा सिवान विकसित सिवान कैसे बनेगा, मेरा सिवान शिक्षित सिवान कैसे बनेगा। हाथ उठाएंगे जिनको बोलेंगे। सर, ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये केवल पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, क्योंकि इस देश में सबसे पहला चीज़ है लोकतंत्र को बचाना और समाजवाद को बचाना, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ पर जो आज देश के प्रधानमंत्री 10 साल से जो वादा किए हैं, ये चुनाव उनके वादा के खिलाफ में है ना। और यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी माननीय औद बिहारी चौधरी चुनाव बहुत भारी मतों से जीतेंगे और लोगों में पूर्ण विश्वास है, चूंकि ये गठबंधन की राजनीति में प्रबल और कैंडिडेट है और देश में बेरोजगारी कह रहे जीवन। सर, एक मिनट, ये चुनाव पूरे विश्व में आप देखिए, जो भी देश के प्रधानमंत्री और कोई कॉम्युनल बात बतियाते हैं, उस देश का पूरा अहित हुआ है। ईरान, अफगानिस्तान देखिए, जो कॉम्युनल लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे विश्व के, ये लोग कॉम्युनल बनाने के चक्कर में। आप कह रहे हैं अवध बिहारी चौधरी जी को, ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये कह रहे हैं कि आप थर्ड पोजीशन पे हैं। नहीं, वो अपना एनालिसिस हर आदमी का, आपके अपने सहयोगी पार्टी, लेकिन ये देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लोगों को अपना मत विपक्ष के जो भी कैंडिडेट उनको देना चाहिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए देना चाहिए। ये लोग पोलराइज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इस बार संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा एक गीत लोग सुनने वाले नहीं है यहाँ पर। यहाँ भारी मतों से महागठबंधन प्रत्याशी। इस बार कौन सा मुद्दा, और ये कोई कह रहे जीवन यादव, कोई हिना साहब, NDA बनाम RJD नहीं, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला। जी बिल्कुल सही बात है, त्रिकोणीय चुनाव यहाँ सिवान में हो रहा है, ठीक है। और इस त्रिकोणीय लड़ाई में सिवान की जनता कह रही है कि निर्दलीय यहाँ आगे है। निर्दलीय में कौन है, जीवन यादव है, हिना साहब, क्योंकि निर्दलीय जीवन यादव की बात हो रही है अब यहाँ। जी, हम सबका अपना अपना एनालिसिस है, लेकिन आप ग्राउंड स्तर पर देखेंगे तो जीवन यादव का समर्थन जबरदस्त है। अच्छा, हिना साहब को सपोर्ट क्यों? देखिए, हिना साहब सुनने वाली बात, देखिए हिना साहब एक प्रबल मजबूत प्रत्याशी हैं। इन्होंने राजनीति के तहत जो साथ में रहते थे, साथ में रहने वाले लोग पीछे से जो है वार करते थे, धोखा करते थे, जिसके वजह से उन्होंने चुनाव तीन बार हारने के बावजूद उनके पति हस्बैंड जो है डॉक्टर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। देहांत के बाद भी उन्होंने मजबूती के साथ हजारों सैकड़ों 500 लोगों के बीच में झूम रही हैं और बुला नहीं रही हैं। भाड़े के लोग नहीं हैं उनके साथ, लोग तन मन धन के साथ हैं। अभी शहर के अंदर जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनमें उनका एक रुपया खर्चा नहीं है और किसी व्यक्ति को वो फोन करके बुलाती नहीं है। नहीं, ये जो कह रहे थे कि भाई साहब कह रहे थे कि आखिर हिना साहब को लोग क्यों चुने, ये आपका सवाल था। सिंपल सवाल है, 15 साल का तपस्या रहा है, चुनाव हारने के बाद भी घर की महिला दहलीज पार करके सिवान के मालिकों के बीच में जो समर्पण दिया है, हमें अपने नेता को चुनना है और नेता मेरा वह होगा जो मेरे सुख दुख का साथी होगा।
15 साल का वक्त उन्होंने दिया है मालिकों के बीच में, सुख में हो दुख में हो, मरना हो जीना हो, ऐसा कोई पल रहा सिवान के मालिकों ने जब याद किया है तो मालिकों के बीच में उनका समर्पण रहा है। इस आधार पे सिवान के लोग ये चाहते हैं कि सिवान में मेरे नेता के रूप में हैना साहब। सर भैया जो बात कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, नेता उसी को चुनिए जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा हो। जीवन यादव सिवान के जनता के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, सिवान में परीक्षा पड़ा था, किसी नेता को चुनाव से पहले था, कोई नेता पूछने तक नहीं गया कौन छात्र कहाँ है, जितने छात्रों को क्वार्टर नहीं मिला था सबके लिए अपने आवास पे व्यवस्था कराए थे, खाना का रहने का सब कुछ का। और पर्व त्यौहार में जिसके पास पैसा नहीं होता है पर्व करने के लिए उनका वो सहयोग करते हैं, कोई बीमार है तो वो किसी नेता के दरवाजे पर नहीं जाता है, आँख बंद करके जीवन यादव के पास जाता है। और यही लोग जो यहाँ पे आज खड़ा होकर दूसरे पार्टी का समर्थन करें, ये लोग भी बोलते हैं कि वहीं चले जाओ वही तुमको सहयोग मिलेगा। और कहीं नहीं भेजते। आप लोग का इंटरनल सर्वे भी है कि आरएसएस के इंटरनल सर्वे में बोल दिया है कि बीजेपी को समर्थन नहीं दे, लेकिन इंडिया गठबंधन को समर्थन दे। आरएसएस का इंटरनल सर्वे अच्छा। मेरे पास वीडियो है। आप हैं कांग्रेस के लेकिन पूरा आरएसएस का सर्वे निकाल कर रखे हैं। जैसे आप लोग करते हैं वैसे हम लोग रिपोर्टर हैं। वही वही हम कह रहे हैं, है कांग्रेस के लेकिन आप कह रहे हैं कि बाजार में रहने वाले हैं। नहीं ये मुझे बताइए कि यहाँ जीवन यादव की अगर बात हो रही है सुख दुख में कह रहे हैं, तो सुख दुख में हिना शाह नहीं थी क्या? नहीं, सुख दुख में तो सब लोग रहते हैं जहाँ भी समय मिलता है, लेकिन जो अभी जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, लेकिन आने वाला समय में मुकाबला हो जाएगा आमने सामने, एनडीए वर्सेस निर्दलीय। आने वाला समय में हो सकता है मोदी कोई यहाँ कोई ये नहीं कर रहा है कि इस बार एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है। नहीं, क्लीन स्वीप तो संभव कांटे की टक्कर आमने सामने हो जाएगा। विकास, बेरोजगारी और सुशासन सिवान में 2019 से 2024 तक ये 5 साल जेडीयू के तो सांसद रहे, काम हुआ? नहीं, विकास तो ठीक ठाक है उस तरह का। तो कविता जी यहाँ पर सांसद थे, काम हुआ? तो सर टिकट थोड़ी काटा जाता, लोगों के मन में सिसवन ढाला चल रहा है, आज तक सिसवन ढाला का पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। अभी लोग कह रहे हैं कि हम बनवा देंगे, पूरा ये दे दिए हैं, जो भी आ रहा है बोल रहे हम किए हैं, हम क्या आखिर किया कौन है? लोग इसीलिए कन्फ्यूजन में कि लोग सिंबल पर जीत कर चले जाते हैं, उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं, जनता से उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सिवान में अपनी लड़ाई होगा, सोच पे लड़ाई होगा, सिंबल पे नहीं लड़ाई होगा। ये जो पिछला 5 साल गुजरा है सिवान के लिए, इसमें विकास का कोई काम नहीं हुआ है, और आज तक वो जिला मुख्यालय में अपना कोई घर मकान या कार्यालय नहीं खोल पाए हैं। अब यहाँ से जो है सिवान की जनता जिनका अगर बढ़िया है जामो है वो उनके गांव जाएगी, कोई काम पड़ेगा उनसे तो भाड़ा लगा के 200 रुपया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लोगों के बीच हिना शहाब रहती है ये दावा है, जीवन यादव रहते हैं ये दावा है। जीवन यादव पिछले नगर परिषद के चुनाव में उन्होंने कुछ अब सामाजिक काम तो किया ही है, लेकिन ये लोकसभा की लड़ाई है, इसमें कहाँ तक वो दौड़ पाएंगे ये कहना निश्चित नहीं है। मोदी जी के नाम पर, मोदी के नाम पर वही होगा कि एनडीए को जो भी वोट मिलेंगे वो मोदी के नाम पे ही मिलेंगे, मोदी के नाम पे मिलेगा अंतिम दौर, प्रत्याशी के नाम पे नहीं मिलेगा। अभी क्या है, अभी तक अभी सिवान के मालिकों का जो रुझान है अभी तक तो हिना साहब सबसे आगे है, और ये कयास लगाया जा रहा है कि ऐन वक्त में हो सकता है जाते जाते मोदी जी का प्रभाव, ऐसा कयास है। लेकिन यहाँ का जो कैलकुलेशन आप देखिएगा, मोदी जी का जो कोर वोट है स्वर्ण समाज का 90% वोट है ना साहब के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, सभी रंग के लोगों का ताकत जुड़ा हुआ है, और यह समाज शिक्षित समाज है और विकसित समाज है, और शिक्षित समाज जब कोई निर्णय ले लेता है वह निर्णय बदलता नहीं है। इस वजह से आप जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो देखिएगा सिवान का स्वर्ण समाज 90% है, अति पिछड़ा समाज है, दलित और माइनॉरिटी समाज 99% है। इस आधार को जब कैलकुलेट करिएगा तो देखिएगा कि आने वाले 25 तारीख को देशरत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और मौलाना मजलक साहब की धरती से एक नया इतिहास लिखा जाएगा, और वह इतिहास सिवान के सभी समाज के लोग और हर वक्त पार्टियों ने जात की बात की है, हर वक्त पार्टियों ने जो सब बांट करके बात किया, लेकिन हैना साहब एक ऐसी शख्स है जो जात से जमात की तरफ सिवान को ले जाना चाहती है, और जब जीतेंगी तो सिवान मेरा शिक्षित सिवान बनेगा, सिवान मेरा विकसित सिवान बनेगा। देखिए हम सिवान के सभी नौजवान यही चाहते हैं, जो यूथ नया नया जो नाम जुटा है बूथ में, सब लोग यही चाहता है कि सब लोग हिना साहब को
क्योंकि देखिए जो सावधिन साहब ने विकास किया था, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, यूनानी कॉलेज हो, यहाँ सामने देख सकते हैं टाउन हॉल है, उसमें 15 सालों में चूना तक किसी विधायक एम पी ने नहीं लगवा पाया। आपको ढाला का समस्या है, पूरे सिवान के लोग जूझते हैं, कोई भी विधायक एमपी आज तक उस समस्या को, अब चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, उसमें उठा नहीं पाया उस समस्या को, ना उसमें कामयाबी उन लोगों को मिली। तो अब सिवान के सभी नौजवान और बुजुर्ग माता बहनों को यही है कि हिना साहब पे विश्वास है, और जब हिना साहब ये सिवान की धरती से जीत कर लोकसभा में जाएगी तो इस बार जरूर 5 सालों में सिवान में विकास होगा और नौजवानों के लिए काम होगा। हिना साहब, हिना साहब पर विश्वास है? हिना साहब पर विश्वास है। क्यों? पढ़ी लिखी लेडी है, परमानेंट मुलाकात है, जब चाहिए मिल लीजिए, हम लोगों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ता है। सबसे बढ़िया है कि मेरे प्रतिनिधि से टाइम से मुलाकात हो जाए, एक नंबर तो मेरा ये चीज़ होता है। जब प्रतिनिधि से मुलाकात है तो मैं समस्या कैसे रख सकता हूँ अपने को? समस्या बताना ना मेरे प्रतिनिधि को। सब चुनाव क्यों हार गए? अरे विधानसभा विधानसभा तो लड़े नहीं किया, लोकसभा लड़ी है। लोकसभा पिछली बार क्यों हार गई? देखिए वो कॉम्बिनेशन था अपना अलग, लेकिन आज के समय भरोसा नहीं था। नहीं नहीं भरोसा था, उस टाइम भरोसा था, लेकिन कम्बिनेशन अलग था, सवाल मूवमेंट अलग था। सवाल जीतने और हारने का नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। हर जाति, हर समुदाय, हर पार्टी के लोग टूट कर, जुट कर हिना साहब का समर्थन में कर रहे हैं। चेहरा ही देखा जा रहा है कि मुद्दे भी कुछ हैं, विकास या बेरोजगारी। यहाँ पर महागठबंधन के सरकार के द्वारा 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया बिहार में, जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और पहल करने से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया, उन्हीं के आधार जी ने दिया। नहीं, तेजस्वी यादव के पहल पर उन्होंने। किसने दिया? तेजस्वी यादव के पहल किसने दिया? तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना, वो नहीं दिए, पहल किए वही तेजस्वी जी के द्वारा ही, पहल करने के बाद ये इस अथी को अंजाम दिया गया और इतने बहाली की गई। रोजगार? रोजगार तो तेजस्वी यादव ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे, नीतीश कुमार तो बहुत दिन से थे। जीवन यादव यहाँ लोकल में काम आए, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी? बिल्कुल, यहाँ मुझे लगता है कि वोट को लेकर अभी डिसाइड करने की चर्चा चल रही है। देखिए लोकल स्तर पर लोग ऐसा नेता चुनता है जो हमारे सुख दुख में काम आए, और युवाओं को तो जरूर ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे सुख दुख में काम आए। कौन कौन ऐसा नेता है? अच्छा, आप जय भीम, जय भीम, जय भीम, तय भीम है। हाँ, मैंने देख लिया, यहाँ भीम आर्मी भी है क्या? जी जी, भीम आर्मी भी है, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है? या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मैडम के साथ हूँ, हिना मैडम के साथ हूँ। अच्छा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये जिस तरह 2014 में सिवान के एक बार सिवान के महान जनता ने जो तय किया था, एक इतिहास बनाया था, फिर से सिवान के महान जनता संसद से समाधि तक भेजने का काम करेगा। जो जो हिना साहब हैं, अब जीत कर जाएंगे तो उन्होंने जो सिवान के महान जनता सम्मान रखेंगे, वो आखिरी अंत तक, हिना मैडम आखिरी आखिरी तक, अपने अंतिम इच्छा तक सिवान के महान जनता को जो सम्मान का चादर उन्होंने देगा, पार्लियामेंट में भेज के हिना साहब को जब भेजेगा सिवान के महान जनता को, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संसद से समाधि तक, अर्थात मरने दम तक सिवान के महान जनता को सम्मान। आप क्या करते हैं? मैं एक एजेंसी का ऑनर हूँ, टूरिस्ट कंपनी का, इंटरप्राइजेस का। रोजगार का सवाल है यहाँ पर? जी, बहुत रोजगार का सवाल है यहाँ पर। रोजगार जब एमपी साहब से, डॉक्टर मोहम्मद सावदीन साहब थे, तभी विकास हुआ था। उसके बाद 15 साल ना हमारे सिवान में कभी विकास हुआ है और ना ही होने दे रहे हैं। इस बार पूरे सिवान के लोग, हर एक जाति बिरादरी के लोग इस बार मूड बैठा लिए, इस बार हिना साहब को लाएंगे। हिना साहब मैक्सिमम मैं सुन रहा हूँ, एनडीए कहाँ है लड़ाई में? एनडीए के साथ ही लड़ाई होगी, जिनकी भी लड़ाई होगी। देखिए ये जैसे जैसे साल में कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, ये बात सत्य है, लेकिन मोदी जी के नाम पर एनडीए को भी वोट मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट सेकेंड कौन होगा ये समय बताएगा, लेकिन निर्दलीय और एनडीए में ही यहाँ लड़ाई होगी। निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाई आ रही है, लड़ाई निर्दलीय और एनडीए में। जी सर, लेकिन लड़ाई जो है, हर जो भी लड़ेगा वो हिना मैडम से लड़ेगा, जो भी लड़ेंगे वो हिना मैडम से लड़ेंगे, इसलिए कि जो विकास हिना मैडम के जो हस्बैंड हैं मोहम्मद, डॉक्टर मोहम्मद सावदीन, उन्होंने जो विकास करा दिया, आज 15 वर्ष में चूना तक नहीं लगा कहीं, 15 वर्ष में चूना तक नहीं लगा। अगर वो हिना साहब आती हैं तो विकास पुरुष की पत्नी हैं, उन्होंने विकास करते हुए अपने पति को देखी हैं,
और उन्होंने उसी धरे पर चलकर वो भी कहेंगे, वो भी चाहेंगे कि हम अपना नाम एक नंबर में विकास में दर्ज करा ले। उस परिवार पर यहाँ तो इसका मतलब चेहरा ही देखा जा रहा है, तो चेहरा क्या लोकल ही देखा जा रहा है या फिर मोदी जी या तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी को देखा जा रहा है? नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, मोदी जी कह रहे हैं 400, ठीक है हमने 400 माना, लेकिन सिवान में नहीं, सिवान में 399 प्लस एक ही ना 400 ले जाइए। 400 नहीं आएगा, 340 के नीचे रहेगा। 399 प्लस एक 340 के नीचे वही थे। संपर्क होगा, आप रिपोर्टर है ना, 240 के नीचे, 240 के नीचे गारंटी है। 328 399 प्लस महागठबंधन कितना? महागठबंधन का सीट बढ़ेगा, बढ़ेगा, गवर्नमेंट भी नहीं बन पाएगी, देवगोड़ा वाला हाल होगा। हिना शाह जी किसके साथ जाएंगी? सिवान के मालिकों का जो आदेश होगा निश्चित तौर पर, ये तय है, बात करेगा जो भारत के विकास की बात करेगा उसके साथ जाएगा। जनता उनको जिहाद में सदन में भेजने की बात कर रही है जीतने के बाद। हिना आपका सवाल है कि कहां जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहां जाएंगे। सिवान के महान जनता जहां कहेंगे वहां जाएंगे प्लस, और यह जान लीजिए कि जहां से आई है वहां वापस कभी नहीं जाएंगे, यह भी जान लीजिए, जहां से आई है वहां वापस नहीं जाएंगे। और वहां आपने तो खुलकर बता ही दिया, तो हम तो कह ही रहे हैं तो जब वहां नहीं जाएंगी तो 400 जो मोदी जी का है गारंटी है, 399 सभी समाज के लोगों, 399 सिवान के सभी समाज के लोगों का ताकत है, ले जाइए मोदी जी, सिवान के सभी समाज के लोगों का जो ताकत बिहार से एक महिला जीतेगी यहाँ से। देखो आप कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ हैं आप, थोड़ी दूरी बनवा, यहाँ के मालिकों का ताकत है, यहाँ के मालिकों का वैसा ही ताकत है तो आप उसको मान लीजिए। नहीं, यहाँ के मालिकों का अगर वैसा ही ताकत है तो आप उसको मान लीजिए, और यही तो मोदी जी पर भरोसा है। हम लोगों को सिवान के लिए हिना मैडम पर भरोसा है, इसलिए भरोसा है कि वो क्वालिफाइड औरत है। हिना मैडम को मोदी जी पर भरोसा है, हिना मैडम को मोदी जी पर भरोसा है। 399 प्लस 1 हिना जी को अपने जनता पर भरोसा है, और उनकी जनता जहां कहेगी वो हिना साहब जाएंगे। आप तो कह रहे हैं चुनाव में इतना देर के बहस में किसी ने अपने काम पे वोट मांगा? कोई बोल रहा है 399 प्लस 1, कोई बोल रहा है 400, कोई बोल रहा है ना ना ना, सब लोग कोई काम पे वोट नहीं, जीवन यादव अपने काम पे पर्सनल काम पे वोट जीवन यादव जब फील्ड में जा रहे हैं ना तो उनके पास मुद्दा है बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने 15,000 लोगों को निस्वार्थ भाव से, उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा। लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, उनके नाम पे वोट गिरना ही है। देखिए भैया का कहना सही है, यहाँ हिना शहाब लड़ाई लड़ रही है लेकिन मोदी जी के साथ है। देखिए मोदी जी के साथ तो देश के लोगों को रहना ही चाहिए, और ये चुनाव देश का चुनाव है, और देश में जो हो रहा है उसके चश्मे से देखना है, चूंकि पूरे देश के आकलन के मुताबिक देश में सरकार बनती है, जनता जिसको चाहती है देश में उसकी सरकार बनती है। मोदी जी के नाम पर तो फिर यहाँ विजय लक्ष्मी जी को वोट पड़ना चाहिए। यहाँ मोदी जी के नाम पर विजय लक्ष्मी जी लड़ रही हैं, और वो सीधे सीधे एनडीए के एक अंग हैं, और एनडीए समर्थित उम्मीदवार विजय लक्ष्मी जी हैं, तो होना तो यही चाहिए। जन जनार्दन से सब लोग अपील करते हैं, वो कुछ और आ रहा है क्या? नहीं अब आम नहीं, 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 लेकिन जनता का अपना अलग अलग विचार है, अलग अलग प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं अपनी बात करते हैं, लेकिन हम सब लोगों को अपने काम के बुनियाद पर, नीतीश तो कह रहे हैं कि 15 साल में काम ही नहीं हुआ। अरे तो कहने का मतलब कि अपना अपना नजरिया है, देखने का ये काम नहीं हुआ है। इनसे पूछिए कि आज से 15 साल पहले की सड़कें कैसी थी, आज क्या है, बिजली की स्थिति क्या थी, आज क्या है, सवाल 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 और अस्पताल की स्थिति 15 साल पहले क्या काम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले क्या थी, आज क्या है, बिहार के एक एक जिला में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। सिवान जिले के नाम पर सिवान जिले की बात करिए, इंजीनियरिंग कॉलेज और बिहार सरकार नहीं है, और भारत सदर और क्या है,
चाहता हूँ। भाई साहब भी कह रहे थे कि विकास के मुद्दों पे सवाल होना चाहिए, विकास के मुद्दों पे चयन होना चाहिए। हम लोग यही कहते हैं, शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास का गाथा लिखा था, अटल जी के भी सरकार में उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला था, उसी आधार पे सिवान के लोग चाहते हैं कि शहाबुद्दीन जिस विकास के कड़ी को आगे ले गए थे हैना साहब, उसको पूरा खत्म करेंगे। कहने का मतलब है कि विकास निधि का 100% उन्होंने उपयोग किया था, तो विकास निधि एक सांसद की ऐच्छिक अपनी विकास निधि होती है। तो और उन्होंने कोई बता और क्या किया है, सांसद साहब ने क्या किया है, कोई राष्ट्रपति उनको सम्मानित किया हो 15 साल नहीं, क्या बताइए क्या है विकास। सिवान से फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंच गई है। यहाँ मुद्दों की बात साथ साथ चेहरों की बात, यहाँ मुकाबला बना रहे हैं। 25 में मतदान होगा, 4 जून को पता चला।